कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत के शासक थे और साथ ही दिल्ली सल्तनत के पहले शासक भी थे और गुलाम वंश के पहले सल्तनत थे। ऐबक समुदाय के वह तुर्किश थे और सिर्फ 1206 से 1210 के बीच 4 साल के लिए सुल्तान थे। काजी ने कुतुबुद्दीन की देखभाल काफी अच्छी तरह से की थी और बचपन में ही कुतुबुद्दीन को तीरंदाजी, तलवारबाजी, शिक्षा और घोड़े चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था। लेकिन जब उनके मास्टर की मृत्यु हो गई तब उनके बेटे ने कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी को बेच दिया था और अंततः उन्हें मध्य अफगानिस्तान में घोर के शासक सुल्तान मोहम्मद घोरी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जल्द ही अपने हुनर से मोहम्मद घोर को आकर्षित कर दिया था और वे जल्द ही मोहम्मद घोर के चहेते भी बन चुके थे। उत्तरी भारत के बहुत से राज्य को बाद में कुतुबुद्दीन ने ही हथिया लिया था और जैसे जैसे घोरी के सुल्तान का साम्राज्य बढ़ता गया वैसे वैसे उन्होंने कुतुबुद्दीन को मध्य भारत में शासन करने का अधिकार दे दिया था। अफगानिस्तान में अपने साम्राज्य का विस्तार कर मोहम्मद घोरी ने खुद को एक मजबूत और शक्तिशाली शासक साबित किया था। उनका ज्यादातर साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में फैला हुआ था और इसी के चलते कुतुबुद्दीन ऐबक को भी 1206 में दिल्ली के सुल्तान की पदवी दी गई थी। उस समय मोहम्मद घोरी की युद्धाभूमि पर ही मृत्यु हो गई थी। उन्होंने घोरी साम्राज्य में प्रशासनिक यंत्रणा को सुधारने के काफी प्रयास किए थे। शासन क्षेत्र तराइन के युद्ध के बाद मुइजुद्दीन गिजनी लौट गया और भारत के विजित क्षेत्रों का शासन अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में छोड़ दिया। पृथ्वीराज के पुत्र को रणथंभौर सौंप दिया गया जो 13वीं शताब्दी में शक्तिशाली चौहानों की राजधानी बना। अगले 2 वर्षों में ऐबक ने ऊपरी दोआब में मेरठ तथा कोयल पर कब्जा किया। इस क्षेत्र के शक्तिशाली दो राजपूतों ने ऐबक का मुकाबला किया लेकिन आश्चर्य की बात है कि गहद वालों को तुर्की आक्रमण से सबसे अधिक नुकसान का खतरा था और उन्होंने न तो दो राजपूतों की कोई सहायता की और न ही तुर्कों को इस क्षेत्र से बाहर निकालने का कोई प्रयास ही किया। मुइजुद्दीन 1194 में भारत वापस आया। वह 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना को पार कर कन्नौज की ओर बढ़ा। इटावा जिले में कन्नौज केने के छंदवाड़ में मुइजुद्दीन और जयचंद्र के बीच भीषण लड़ाई हुई। बताया जाता है कि जयचंद्र जीत ही गया था जब उसे एक तीर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के साथ ही सेना के भी पांव उखड़ गए। अब मुइजुद्दीन बनारस की ओर बढ़ा और उस शहर को तहस नहस कर दिया। उसने वहां के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। यद्यपि इस क्षेत्र के एक भाग पर तब भी गहद वालों का शासन रहा और कन्नौज जैसे कई घटकों का विरोध करते रहे, तथापि बंगाल की सीमा तक के एक बड़ा भूभाग उनके कब्जे में आ गया। छोटे से कार्यकाल में बड़ा जिहाद, ऐसा बोला जाता है कि कुतुबुद्दीन ने अपने छोटे से कार्यकाल में बड़ा जिहाद कर दिया था। अगर यह और सालों तक सत्ता पर रहता तो भारत पूरी तरह से मुस्लिमों का देश बन चुका होता। कुछ जगह पर तो यह भी सबूत दिए गए हैं। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने नहीं बनवाई है। यहाँ के 27 मंदिरों को तोड़ दिया गया ताकि कोई भी इस जगह को पहचान न सके। बाद में खूबसूरत कल को अपना बना लिया लेकिन आज तक कहीं नहीं लिखा है कि कुतुबुद्दीन इसका प्रयोग किस लिए करता था। इस्लाम के अंदर कहीं भी किसी भी तरह की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है, जबकि ये लोग ना तो चित्रकारी कर सकते हैं और ना ही फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो कुतुब मीनार में चित्रकला किस मुस्लिम राजा ने बनवाई थी? तो अब आगे का अध्ययन आपको खुद शुरू कर देना चाहिए ताकि आप कुतुबुद्दीन ऐबक के असली इतिहास से वाकिफ हो जाएं। भारत को इस्लाम देश बनाने आए यह गुलाम देश में कत्लेआम करके गया और हजारों मंदिरों को तोड़ गया, लेकिन हम आज भी इसे महान राजा बोलते हैं। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्क सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। उसने भारत में इस्लामिक सांप्रदायिक राज्य की स्थापना की। वास्तव में इसी इस्लामिक सांप्रदायिक राज्य की स्थापना थी। पिछले 500 वर्षों से विभिन्न मुस्लिम आक्रांता भारत पर आक्रमण करते आ रहे थे, जिनका सफलतापूर्वक प्रतिकार भारत के स्वतंत्रता प्रेमी राजाओं और उनकी प्रजा के द्वारा किया जा रहा था। इस प्रतिकार के विषय में रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक
पुस्तक संस्कृति के चार अध्याय के पृष्ठ 237 पर लिखते हैं, इस्लाम केवल नया मत नहीं था, यह हिंदुत्व का ठीक विरोधी मत था। जयचंद से युद्ध की तैयारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब भारत में प्रवेश किया तो उसने भी इसी परंपरा का निर्वाह किया और भारतीय धर्म का सर्वनाश कर इस्लाम का परचम फहराना अपना उद्देश्य घोषित किया। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में उसे जयचंद बाधा दिखाई दिया तो उसके नाश के लिए उसने गौरी के आदेश अनुसार योजना बनानी आरंभ की। गौरी ने उसकी योजना से सहमत होकर एक सेना जयचंद के नाश के लिए भेजी। कन्नौज का शासक जयचंद उस समय कन्नौज से लेकर वाराणसी तक शासन कर रहा था। वाराणसी की पवित्र भूमि के राजकारणों की देश और धर्म के प्रति पूर्णतः निष्ठावान धूली भी उस पापी जयचंद का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाई थी और वह देश धर्म के प्रति कृतघ्नता कर गया था। माँ भारती का श्राप उसे लगा और उसे अपने किए गए पाप कर्म का दंड देने के लिए क्रूर काल ने अपने पंजों में कसना आरंभ कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ भारत के कई नगरों और बहुत से गांवों को लूटता और मारकाट करता हुआ तेजी से कन्नौज की ओर बढ़ता रहा था। ऐबक के सैन्य अभियान उसने गौरी के सहायक के रूप में कई क्षेत्रों पर सैन्य अभियान में हिस्सा लिया था तथा इन अभियानों में उसकी मुख्य भूमिका रही थी। इसी से खुश होकर गौरी उसे इन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर गया था। महमूद गौरी विजय के बाद राजपूताना में राजपूत राजकुमारों के हाथ सत्ता सौंप गया था, पर राजपूत तुर्कों के प्रभाव को अनिष्ट करना चाहते थे। सर्वप्रथम 1192 में उसने अजमेर तथा मेरठ में विद्रोहों का दमन किया तथा दिल्ली की सत्ता पर आरूढ़ हुआ। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपना केंद्र बनाकर उसने भारत के विजय की नीति अपनाई। भारत पर इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभुत्व तथा शासन इतने समय तक नहीं टिका था। जाट सरदारों ने हांसी के किले को घेर कर तुर्क केदार मलिक नसीरुद्दीन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था, पर ऐबक ने जाटों को पराजित कर हांसी के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। सन 1194 में अजमेर के उसने दूसरे विद्रोह को दबाया और कन्नौज के शासक जयचंद के साथ था चंदवार के युद्ध में अपने स्वामी का साथ दिया। 1195 ईस्वी में उसने अलीगढ़ को जीत लिया। सन 1196 में अजमेर के मेदो ने तृतीय विद्रोह का आयोजन किया जिसमें गुजरात के शासक भीमदेव का हाथ था। मेदो ने कुतुबुद्दीन के प्राण संकट में डाल दिए, पर उसी समय महमूद गौरी के आगमन की सूचना आने से मेदो ने घेरा उठा लिया और ऐबक बच गया। इसके बाद 1197 में उसने भीमदेव की राजधानी अनहिलवाड़ा को लूटा और अकूत धन लेकर वापस लौटा। 1210 में पोलो खेलते समय एक हादसे के चलते कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। घोड़े से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में अनारकली बाजार के पास उन्हें दफनाया गया था। बाद में उनके भतीजे शमसुद्दीन इल्तुतमिश उनके उत्तराधिकारी बने और साम्राज्य को संभाला था और मामलुक उर्फ गुलाम साम्राज्य को आगे ले गए।